हुंजा इस कर दूं कहाँ पे? ये दादा व्यू दे मदार कहाँ पे? वेलकम टू हुंजा नगर। फाइनली भाई हुंजा नगर के टर्नल में आ गए, हसन भाई के टर्नल हसन भाई के टर्नल में आ गए। हम लोग को पेड़ में नजर लगी हुई आई है खुरबानियाँ, मतलब खुबानियाँ खुबानियाँ, मजाक कर रहा हूँ यार। तो ये क्या है, ये कीड़े कैसे हो रहे हैं? वाह भाई वाह, ये भी तोड़ के लाए, ये भी तोड़ के लाए, दिखाओ दिखाओ दिखाएं। ओ भाई साहब झोली भर भर दो झोली कुर्बानी से मेरी। ये चेक करो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ये देखो धुआं उड़ रहा है। यहाँ पे ना अभी हमारी दूसरी वाली गाड़ी हीटअप हो गई थी जिसमें हमने पानी वगैरह डाला है। अभी तो अभी बहुत बैड सीन हो गया यहाँ पे। अभी पहले वो रेडिएटर में पानी ख़त्म हो गया था, अब दूसरा सीन ये हुआ कि वो स्विच ऑन नहीं हो रहा और हम खड़े हैं बिल्कुल लैंड स्लाइडिंग के एरिया पे। अभी यहाँ ये पत्थर देख रहे हैं, बीच में ये पत्थर गिरा। कोशिश कर रहे हैं अभी भाई, पुलिस भी आ गई और वो मैकेनिक को बुला के लाएँ, इंशाल्लाह ताला देखें सेट होता है तो पता लगेगा। ये भैया था बाट लेक का टनल जो सुना था, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, पार्क चारा फ्रेंडशिप टनल नंबर वन। आने वाले जहाँ पे लोग खड़े हो गए मेरे ख्याल से। अभी ये सीन हुआ, हम यहाँ एटाबाद लेक पे खड़े हुए थे, कुछ होटल पता कर रहे थे। एक होटल की बात हुई डन थोड़ी सी ना, तो गाड़ी नीचे लेके जाने लगे, गाड़ी का फिर वो जो स्विच का मसला था उसमें कोई फ्यूज उड़ गया। अल्लाह अकबर, 10 बज रहे हैं रात के, आइए देखते हैं बलावा। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से फर्स्ट क्लास चंगे होंगे। तो भाई अभी का सीन ये, हम लोग खड़े हुए गिलगित से कोई 15-20 मिनट पहले और हमें जाना है अब डायरेक्ट हुंजा। कल वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो कल पता लगा होगा कि क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से हमें गिलगित से हुंजा से पहले रुकना पड़ा। तो खैर अभी हम लोग सब रेडी नहीं हुए कुछ भी करना, सब रेडी हुए बस यहाँ से जो कपड़े पहने हुए थे वही पहने हुए। अभी हुंजा जाएंगे, वहीं होटल में चेंज करेंगे, सुबह के 8 बजे जल्दी उठ गए हैं ताकि हम हुंजा जल्दी से पहुँच जाएँ। अभी बस वहाँ जाएंगे और नाश्ता करके कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। ये बर्फ़ का पहाड़ देख रहे हैं आप, इतने सारे मिट्टी के पहाड़ों के बीच में पीछे बर्फ़ का पहाड़ है और ये बादलों से टकराया हुआ है। ये ना वर्ल्ड लॉन्ग लार्जेस्ट पहाड़ों में आता है, इसका नाम है नांगा पर्वत। यहाँ जाना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है लेकिन यहाँ जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना ऊंचा है ये पहाड़, इतना ऊंचा और टोटली बर्फ़ होती है 12 महीने, बहुत ख़तरनाक पहाड़ है। एक दफ़ा इंशाल्लाह जाएंगे अगर नसीब में हुआ। ये रास्ता जा रहा है भाई स्कर्दू के लिए और ये रास्ता जा रहा है हुंजा के लिए। अब हमें जाना तो वैसे दोनों ही जगह था, हुंजा भी स्कर्दू भी, लेकिन अभी टाइम हमारे पास कम है क्योंकि हमें वापस घर भी जाना है और हमें 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन का टूर था। तो अभी डिसाइड नहीं हो रहा हुंजा या स्कर्दू, सब डिसाइड करने में लगे हुए हैं। कहाँ हुंजा स्कर्दू कहाँ पे? ये दादा व्यूज है मदार कहाँ पे? स्कर्दू में। मैं तुमसे स्कर्दू पूछ रहा, तुम बोल रहे थे हुंजा, चलो हुंजा सही है स्कर्दू। बोले रोड बन गए ना, कहाँ चले फिर? स्कर्दू बाद में चलेंगे। चीजें क्या क्या है स्कर्दू में? टाइम नहीं है, स्कर्दू में चलते फिरते फिरते चीजें देखेंगे। हुंजा में तो एक जगह रुक के हम लोग घूम फिर सकते हैं। एडवेंचर्स है स्कर्दू में? नहीं है स्कर्दू में, स्कर्दू में कहना जेट है ना वो है ना, स्कर्दू में कुछ भी नहीं है भाई। क्या हो गया, स्कर्दू में 3-4 जगह होगी, सिर्फ उसकी जेट सी नहीं आता बात है। जेट नहीं जाएंगे और भी तो चीजें हैं, भाई डिसाइड करो कहाँ चलना है। भाई डिसाइड ही नहीं हो रहा कहाँ जाए, हुंजा जाए या स्कर्दू, दोनों ही खूबसूरत जगह है भाई। कान्या सो रही उठी हुई है? हुंजा स्कर्दू, हुंजा स्कर्दू खूबसूरत हो, ठंडा इलाकों में हो रहा हुंजा जाए या स्कर्दू, ठंडा जगह जो खूबसूरत हो, खूबसूरत तो नहीं है पूरा पाकिस्तान। हुंजा में ना पता क्या, आपने जहाँ जाना है ना वहीं चलो बस, सीधा सा कहीं किसी लंबे चक्कर में ना पड़ो। भाई जो करीब हो ना वो चले चलो बस, देखते हैं। अच्छा बताओ भाई क्या करना है, स्कर्दू भाई डिसाइड करते हैं फिर आपको बताते हैं कि हुंजा जा रहे हैं स्कर्दू। हम लोग खा रहे हैं अभी अंगूर क्योंकि नाश्ता तो करा नहीं है। हाँ हुंजा की तो खुशी की चक्कर लाओ दिखाओ नेट पे चेक करो ना। हां कहीं ले लिए, अबे ले लिए सही है, ठंडा भी है वो बले है। कहाँ चले मकानी लोगों से पूछो भाई, बात सुनो भाई। खैर अभी हम लोग अंगूर खा रहे हैं भाई, देखते हैं क्या डिसाइड हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिसाइड हो गया, लो भाई पूरा तो साइडों से खाया हुआ है।
ये क्या है क्या? आड़ू भाई, आड़ू भी खा रहे साइड में, फ्रूट फ्रूट खा रहे। पकड़ो फ्रूट्स की नाश्ता हो रहा है सुबह सुबह उठ के। तुम हुंजा गए हो? ये खुबानी ट्राई करेंगे फिर, अगर खुबानी अच्छे से लगे। इस कर दूं भी नहीं गए हुंजा, यहां रहते भी नहीं गए यार। नहीं ये तो बड़ा जबरदस्त है यार। नीचे ओके भाई, टेस्ट करवाने के लिए दी थी उन्होंने सबको, टेस्ट करेंगे। मैंने बता दिया खुबानी ओके, बस बाकी इन लोगों को छोड़ो। ये क्या करेंगे ये लोग? मैं फूड व्लॉगर, तुम लोग फूड व्लॉगर हो। मैं फ्रोडो से नाश्ता हो रहा है, नाश्ता भी करा नहीं, अच्छा सा पॉइंट मिलेगा तो नाश्ते के लिए रुकेंगे। कपड़े चेंज नहीं करे, बस एसी मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गए, बस निकल गए थे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाए, उसके बाद हम अपना ये वाला दिन भी इंजॉय कर सके। अगर हम नाश्ते वगैरह या नहाने धोने के चक्कर में रुके तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फाइनली कन्फर्म वाला डिसाइड हो गया है, हुंजा ही जा रहे हैं। तो अब हुंजा के रास्ते पर हम लोग निकल गए। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, खैर इंशाल्लाह ताला हुंजा में अच्छा मौसम होगा सुनने में आ रहा, ठंडा और खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। नुमाइंडा जो दिल स्कर्दू कर रहा था लेकिन 9 पॉइंट मिले हमें हुंजा के, तो अब हुंजा ही निकल गए। आ गया पाक चायना का टनल, मतलब यहाँ से भी 300 किलोमीटर दूर है, 325 लगा लो आप, 325 किलोमीटर बाद आप चायना में पहुँच सकते हैं, लेकिन हमारे पास वीज़ा होना चाहिए। जा रही है जाने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। गिलगित का हमने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है भाई, मज़ा आ गया। अब गिलगित में इंटर हो गए, अब हुंजा रह गया है। हुंजा यहाँ से है कोई 90 किलोमीटर दूर, और हुंजा पहुँच के जो मज़ा आ रहा है वो अब रुका है भाई नाश्ता करने के लिए, भूख लग रही थी टाइट वाली। क्या नाम है? जी बी दरबार है, यही नाम है ना? जी बी दरबार रेस्टोरेंट कोयटा। फाजू ठंडी कर दी बिल्कुल। अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं भाई, नाश्ता भूख लग रही है। देखते हैं भाई के पास क्या क्या मिल रहा है। भाई नाश्ता आ गया, पहले नाश्ता करके देखते हैं, पहले मैं बिरयानी खा के देखूँगा। सही है अम्मा, सही है। मिक्स करो, है तो मिर्चों वाली लेकिन बाढ़ में जाओ खाली बड़ी बहुत मजेदार है। बाकी चाय और चाय पीना भाई बहुत जरूरी है क्योंकि भूख बहुत ज्यादा आई है। नाश्ता वगैरह डन हो गया है, सब लोग निकल रहे हैं हुंजा के लिए वापस। मुझे तो नींद आ रही है लेकिन हमको सोएंगे नहीं भाई, दो दिन बचेंगे, दो दिन तबीयत के घूमने, नींद गई जेब में क्योंकि सोते तो रहते ही हम। अभी निकलते हैं गाड़ी में, बड़ा बैठो, मेरा वेट हो रहा है। चलो भाई चलो 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 चलो। पहाड़ देखो कितना ऊंचा है यार ये वाला, ये देख रहे हो बादलों में टकरा रहा है। अभी यहाँ से हुंजा कितनी दूर रहेगा वैसे भाई? तकरीबन 20-25 किलोमीटर होगा यार, बहुत ही करीब होगा, और भी करीब होगा भाई। हुंजा बहुत करीब है हमारे, हुंजा पहुँचने वाले हम, हुंजा पहुँचेंगे जाके फटाफट होटल करवा के कपड़ा वपड़े चेंज करके फिर निकलेंगे हम आगे घूमने के लिए। यहाँ से स्टार्ट हो गई है भाई हुंजा की खूबसूरती, चेक कर रहा आप कितना प्यारा रोड है आगे, दोनों साइडों में पेड़, बीच में पहाड़, हाँ और बीच में पहाड़, ऊपर देखो बीच में पहाड़, बीच में रोड, और यहाँ गाड़ियाँ चल रही है। क्या जबरदस्त खूबसूरती आती जा रही है। अभी हम हुंजा में इंटर हुए एक तरह से समझो, चलो सामने पहाड़, साइडों में पहाड़, आगे पहाड़, पीछे पहाड़, सब जगह पहाड़ी पहाड़, बीच में खूबसूरत सा रास्ता, हरियाली। खूबसूरती स्टार्ट हो गई है, हुंजा की खूबसूरती सुनने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब देखेंगे आगे चल के अपनी आंखों से। वेलकम टू हुंजा नगर, फाइनली भाई हुंजा नगर के टर्नल में आ गए, हसन भाई के टर्नल, कर्नल हसन भाई के टर्नल में आ गए। टर्नल में नहीं आए, टर्नल में नहीं आए हम, टर्नल में आ गए थे हुंजा नगर के। अब देखो आगे हम पहुंचेंगे बस जल्दी से हुंजा, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा। हॉर्न भी बजाया था हमने, हॉर्न नहीं हॉर्न बजाया था, टर्नल टर्नल में गए हॉर्न बजाया। हम लोग को पेड़ में नजर लगी हुई आई है खुरबानियाँ, मतलब खुबानियाँ खुबानियाँ, मजाक कर रहा हूँ यार। देखते कहाँ लगी हुई थी, आगे आगे वाले पेड़ पे, सबसे आगे वाले पेड़ पे साइड में, चलो
मैं फर्स्ट टाइम है। मेरा बड़ा मजा आता है कि ताजे ताजे एप्पल है, सुबानिया नहीं एप्पल है। तुम ये पकड़ो, तुम वीडियो बनाओ। अभी तो ऊपर है यार, तोड़ो ना। करीब वाले से देखो, इधर आओ, इधर आओ, करीब वाले इधर है। यही ट्रेनिंग दौड़ना होने वाले है, जैसे इसके ऊपर चढ़ाओ ना, ये दी वाले टूट जाएंगे। वीडियो तो बनाओ ऊपर करके मेरी। एक सिर्फ थोड़ा भाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दूसरा सिर खराब है वाला, तो ये वाला छोड़ दो मेरे। तीसरा, चौथा, अबे अबे अरे दो आने दो, और कहाँ है? यही दरवाजे बड़े थे जो मैं तुमसे बोल रही हूँ। देखिए रे, ये रे, अबे वहाँ हाथ नहीं जाया था ना। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। हसन भाई वीडियो बनाना मेरी, सीधे हाथ से भी। हसन कहाँ चले गए? सही जाओ, हसन ही वाला तोड़ दो। इतने सारे फ्रूट्स तोड़े हमने, पर क्या मजा आया तोड़ने में। अभी आगे बहुत सारे हमें फ्रूट जैसे मिलते रहेंगे। हाँ, दिखा दिए मेरे, इतने सारे भी हम लोग फ्रूट्स तोड़ते रहेंगे आगे जाके। बहुत सारे सुनने में आए कि फ्रूट्स के वो लगे हुए। यहाँ खुबानियों का पेड़ भी है, खजरबान नीचे से तोड़ ले, मैं यहाँ से तोड़ता हूँ। कहाँ है ये रे? फंस रहे, फंस रहे, यहीं गिर रहे, कहीं नहीं जा रहे। और कहाँ है? ऊपर ऊपर थोड़ी सी। हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा। वाह यार, ऐसे तोड़े थे मैंने, अभी छोटा सा लिया, इसको खाएंगे सिर्फ, क्योंकि ज्यादा नहीं खाऊंगा। सुबह भी फ्रूट खाया था, नाश्ता वगैरह करा हुआ यार। रसीले रसीले हो रहे थे यार, सिर्फ मैंने बड़ा वाला भी खाया था भाई के पास से। बेहतरीन है, ये मेरे को, मुझे खाने का ज्यादा शौक नहीं था, मुझे पेड़ में से तोड़ के खाने का शौक था, और वो भी कंप्लीट हो गया आज। अभी और भी बहुत सारी चीजें लगी हुई, पता लगा। और यहाँ मना भी नहीं है भाई, आप आओ, लेकिन लकड़ियाँ तोड़ने का मन है। आप फ्रूट तोड़ो, मसला नहीं है, जितना तोड़ना तोड़ो, लेकिन डंडियाँ या उसकी शाखें नहीं तोड़नी। सारे फ्रूट तोड़े अभी हमने, खुबानी, और ये पूरी थैली भर ली भाई, थैली भर ली है। ये मेरे और आप ही के, हम दोनों ने आधे आधे, हसन भाई के भी, मतलब हम पार्टनरशिप में है ना यहाँ पे। हमने बहुत सारे फ्रूट तोड़े, आगे बहुत सारे फ्रूट्स मिलते रहेंगे और मजे मजे से हम तोड़ते रहेंगे। दिखाओ ये क्या है, दिखाओ ये क्या है, ये कीड़े कैसे हो रहे हैं? वाह भाई वाह, ये भी तोड़ के लाए, ये भी तोड़ के लाए। दिखाओ दिखाओ, ओ भाई साहब, झोली भर भर दो झोली, कुर्बानी से मेरी दो। मैंने बोले थे तुरंत, ये तो हमने निकाल लिया अपने अपने के लिए। यार क्या लेवल है इसका, नट जबरदस्त और शहद की तरह मीठा हो रहा है खुबानी। Nice. मजा आ गया भाई, मजा आ गया कसम से। मेरे को जो मैंने बोला था ना कि आगे जाएंगे हम, वो तोड़ेंगे और फ्रूट्स, मुझे बहुत मजा आता है फ्रूट्स तोड़ के और हाथ चार वहीं खाओ। मजा आ गया, आज फ्रूट्स का डे मुझे लग रहा है। ये चेक करो, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, देखो धुआं उड़ रहा है। ये देखो, ये पूरी लैंड स्लाइडिंग हो रही है भाई। लैंड स्लाइडिंग भी देख ली मैंने, यहाँ ना रास्ता बन रहा है पूरा। वो देखो, वो पीछे भी खड़े हुए हैं ट्रैक्टर, यहाँ भी खड़े हुए हैं, ये सब टूट रहा है। यहाँ से रास्ता जाएगा मेरे ख्याल से ऊपर पहाड़ के लिए। अब हम जब अगली दफा आएंगे तो पता लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है रोड, अभी तो कुछ पता नहीं लगा। व्यू चेक करो भाई, मैं यहाँ आया नहीं था हुंजा, लेकिन यहाँ के रोड, यहाँ की खूबसूरती भाई लेवल। कश्मीर को मेरे ख्याल से तो पीछे छोड़ दिया, कश्मीर में ना टूरिस्टों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया, लेकिन कश्मीर भाई तो हुंजा भाई जीत गया। हुंजा लवली लवली यार, सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह। हेलो, अभी रुक जाए अभी बनाता हूँ वीडियो, रुक जाए, आपकी बना रहा हूँ अभी, रुक जाए। विशु विन्नू भी यहाँ पे हमारे साथ बाहर निकले हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं जबरदस्त वाले। यहाँ पे ना अभी हमारी दूसरी वाली गाड़ी हीटअप हो गई थी, जिसमें हमने पानी वगैरह डाला है अभी, तो ये हमजा इमरजेंसी है, ये फोकस इमरजेंसी हमजा की गाड़ी भाई, फटाफट थोड़ी देर में ये 5-10 मिनट पानी की बोतल दी है पानी में। अभी बहुत बैड सीन हो गया यहाँ पे, अभी पहले वो रेडिएटर में पानी ख़त्म हो गया था, अब दूसरा सीन ये हुआ कि वो स्विच ऑन नहीं हो रहा, और हम खड़े हैं बिल्कुल लैंड स्लाइडिंग के एरिया पे। अभी यहाँ ये पत्थर देख रहे हैं, बीच में ये पत्थर गिरा, 3-4 पत्थर अभी यहाँ गिरे, हम लोगों ने साइड में कर दिए, रोड था तो वो पुलिस वाली भी आ गए हैं।
अब उनको बुलाया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, काफ़ी देर से हम लोग कोशिश कर रहे स्टार्ट होने की। मैंने अपना मोबाइल वगैरह वहाँ फैमिली को ना हम लोगों ने आगे पहुँचा दिया क्योंकि लैंड स्लाइडिंग एरिया था। ये वाली गाड़ी अभी खड़ी हुई है, सब छोड़ कर आ गए आगे ना पेट्रोल पम्प पर खड़े हुए सब। मेरा मोबाइल वगैरह सब उसी में था। ये मैं अपने कज़न के मोबाइल से मतलब भाई के मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। अभी बड़ी परेशानी हो गई है, सीन बड़ा बैड हो गया हमारा। हमने सोचा था कि अभी वहाँ हुंजा वगैरह जाएंगे और अपना हुंजा से पहले वो एटाबाद लेक जो आती है वहाँ इन्जॉय वगैरह करेंगे, सब चीज़ें देखते हुए जाएंगे, लेकिन ये पंगा फंस गया अभी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी होगी, इसमें भी अल्लाह का कोई करम होगा, अल्लाह ताला की कोई मर्ज़ी होगी, जिस वजह से हम जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं अभी, भाई पुलिस भी आ गई और वो मैकेनिक को बुला के लाएँ। इंशाल्लाह ताला देखें सेट होता है तो पता लगेगा। जो भी हुंजा के लोग हैं ना, एक तो बहुत अच्छे हैं, दो चार बंदे पहले रुके उन्होंने बहुत कोशिश करवाई हमारे साथ, वो कुछ नहीं कर पाए, फिर वो अभी चलेगा। अभी एक भाई खड़े हुए थे तो ये खड़े हुए वाइट शर्ट में, इन्होंने हमारे पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई है अभी। बाकी बहुत सारे लोग आते जाते सिर्फ यही बात कह रहे हैं यहाँ का खड़े हो लैंड स्लाइडिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं ये पूरी लैंड स्लाइडिंग हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी लैंड स्लाइडिंग हुई है, देख रहे हैं। और यहाँ पे खड़ा होना सब मना करते हैं। अभी ये बड़ी पुलिस आई है तो ये बस कुछ करेगी, मैकेनिक है, मैकेनिक देखते क्या करता है। अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो फटाफट से सेट हो जाए तो यहाँ से निकलते हैं। मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा था। खैर देखो नुमाने जो पत्थर साइड में कर रहे हैं, ये पत्थर अत्थर गिरे थे ऊपर से। और जो भी यहाँ से गुजर रहा है ना, सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, भाई यहाँ से आगे पीछे आप गाड़ी, दरअसल ऑटो है तो ये हिल ही नहीं रही। दरअसल ये हम लोगों ने ली भी अर्जेंट में थी टूर से एक या दो दिन पहले, एक दिन पहले बल्कि, जिस दिन हमें टूर पर जाना था ना उस दिन सुबह में ये गाड़ी आई है, तो बड़ा बैड सीन हो गया। खैर अल्लाह ये कोई ना कोई हर चीज़ में फाइनली गाड़ी हो गई स्टार्ट, बहुत मुश्किलों से, बड़ा डर लग रहा था अभी, पता नहीं किस तरह स्टार्ट करिए, जाके देखेंगे पता करते हैं। अभी यहाँ पुलिस वगैरह सब खड़े हैं, बात कर रहे हैं आपस में, तो जाके देखेंगे अभी किस तरह स्टार्ट हुई है। मेरे ख्याल से वो तार वगैरह काट के इसको ऑटो स्टार्ट करा है, अभी चाबी वगैरह से तो नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले गाड़ी को डायरेक्ट करा था, अब ये है कि गाड़ी की चाबी अभी सब लग गई है, ओके हो गया। सामने मैकेनिक जो देखो पूरा सामने या बराबर में मेरे ख्याल से मैकेनिक ना, तो गाड़ी हो गई ओके। यार एक बात कहूँगा जो बात दिल की, और ये बात सच है, सच बता रहा हूँ। सीन ये है कि हम लोग जहाँ भी फंसे थे ना, वहाँ हुंजा के लोग भाई लेवल है, एंड कर दिया हुंजा के लोगों ने। अगर कोई हुंजा का लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो तो लव यू यार, उनके लिए इतने मेहमान नवाज यार। जो बंदा जा रहा है, एक तो रुक रहा, जो बंदा जा रहा बोल रहे हटो यहाँ से, कि लैंड स्लाइडिंग का रोड है यहाँ से हट जाओ, लैंड स्लाइडिंग का रोड है यहाँ से हट जाओ। बाकी इतने सारे लोग रुके, उन्होंने हमें हेल्प करी, हमारी बहुत कोशिश करी, फिर एक फोन पे पुलिस आई भाई, मैकेनिक को साथ लेकर आई, एक रुपया चार्ज नहीं करा भाई। हुंजा वालों आई लव यू, कोई भी जो मेरे व्लॉग देख रहा है हुंजा से भाई, उनके लिए दिल से लव यू हमारी सब की तरफ से। और भाई मैं आपको ये एक बात सच बता दूं, कराची आप बहुत पीछे हो इस चीज़ से। मैं खुद कराची में रहता हूँ लेकिन कराची बहुत पीछे है यार, बहुत पीछे जो बात है। हम जिस जगह पे खड़े हुए थे ना, वहाँ लैंड स्लाइडिंग का खतरा था, वहाँ लोग बोल रहे हैं भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो लव यू यार, लव यू। ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये पेड़ पहाड़ पर लिखा हुआ है या हुसैन, यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ कितना ऊपर है भाई, अभी आगे नजर आ रहा है, ये दिखा या हुसैन, क्या बात है। ये बात मुझे हसन भाई ने भी बताई थी, पहले भी बताई थी और अभी बताई थी कि यहाँ पहाड़ों पे ना या हुसैन या हसन ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी, तो अभी नज़र आ रही है भाई। ये भाई एटाबाद लेक का टनल जो सुना था बहुत जबरदस्त बना हुआ है, पार्क चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर वन, वाओ। संदा भी बना हुआ है, ये व्यू आया भाई अब, ओए 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 वो यार इस पे बैठेंगे चैडिस की में, और इंशाल्लाह चैडिस की में लाजमी बैठेंगे भाई, और अलग से संदा मेरे ख्याल से
थोड़ा महंगा एक्सपेंसिव हो रहा है। गाड़ी देख लो, वापस मैकेनिक खड़े हुए हैं। ये अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ, क्या नाम था, अतबाद लेक में। हमारा सीन ये था, हम अतबाद लेक से वापस जाएंगे, पीछे मार्केट थी, हम वहाँ स्टे करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत थे, दूसरा होटल मिल नहीं रहे थे, पहली बात ये थी। दूसरा हमने सोचा था कि वहाँ जाएंगे, दो दिन का होटल करेंगे, दो दिन यहाँ स्टे करेंगे, रात में स्टे करेंगे, सुबह निकलेंगे यहाँ से। चार जो पॉइंट है हुंजा की मशहूर मशहूर, हम वो चारों घूमेंगे। उसके बाद हम वापस अपने घर पाए, वहाँ होटल जाएंगे, रात में रेस्ट करेंगे, सुबह 5 बजे अपने घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है यहाँ से कराची का। ये सीन था। अब ये सीन हुआ, हम यहाँ एटाबाद लेक पे खड़े हुए थे, कुछ होटल पता कर रहे थे। एक होटल की बात हुई डन थोड़ी सी ना, तो गाड़ी नीचे लेके जाने लगे। गाड़ी का फिर वो जो स्विच का मसला था, उसमें कोई फ्यूज उड़ गया। अल्लाह अकबर, 10 बज रहे हैं रात के, मेरे ख्याल से 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए इसके अंदर। कोई ना पेशकश था, मैंने फिलहाल हमें टेस्टर चाहिए था, टेस्टर नहीं था, वो टेस्टर अरेंज करा तो वो चाहिए, पता नहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चीज़ उड़ी है, किस वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो रही। ये पंचायत तो अब ये पूरा मूड ही ऐसे ही देसी हो गई है, सच बता रहा हूँ मैं, सारा टाइम निकल गया। हमने सोचा था घूमने के, आज गाड़ी की वजह से पूरा आज ना सारा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, आज का दिन ज़ाया हो गया, हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। अब देखते हैं कल कहाँ घूम सकते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। अभी नीचे होटल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, गेस्ट हाउस है, शायद गेस्ट हाउस है, गए भी नहीं हूँ मैं अभी तक के, ऊपर ही हैं जब से रुके थे। अब ये है, देखते हैं गाड़ी सेट हो गई, अब नीचे चलते हैं, अल्लाह मालिक है क्या होता है, कुछ नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ अब हमारा गेस्ट हाउस कौन से है। ये हमारा गेस्ट हाउस है, 1, 2, 3 लाइन से, बहुत प्यारी जगह है। मैं आपको इसका अंदर का टूर भी दे देता हूँ, एक एक कमरा दिखा देता हूँ, बाकी सारे कमरे एक जैसे ही हैं। हाँ हसन भाई सही है, ओके अभी इनको व्यू दिखाते हैं ज़रा, माशाल्लाह से व्यू कितना प्यारा है। तो भाई ये है, यहाँ से ओपन पूरा, ये 05X पे दिखाता हूँ, वही मेरी उंगली आ रही है। यह पूरा रूम है भाई, गेस्ट हाउस इस तरह का, वॉशरूम, ये पूरा वॉशरूम है इसका भाई, साफ सुथरे वॉशरूम। वहीं से बाहर जाएंगे फिर वाला व्यू दिखाएंगे। ये पूरा इसका कमरा है, अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ जो बहुत टाइट है। यहाँ से सुबह सुबह पर्दे हटाओ, क्या हुआ, हाँ अच्छा, यहाँ से सुबह सुबह पर्दा हटाओ, ओए यहाँ आके बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। ये बारबेक्यू का सीन था, आज बारबेक्यू का भी सीन था, वो भी नहीं कर पाए, इतना लेट हो गए। ये सब सीन है सुबह सुबह उठ के, जब आप इन ये तीनों हमारे ना लाइन से 1, 2, 3 ये 1, 2, 3 ये तीनों हमारे, इसमें से सुबह जब आप सो के निकलोगे ना, उसके बाद सामने आपको ये है अतबाद लेक का व्यू, ओए होए होए होए, कोई चस्कर आएगा, लेवल की चस्कर आएगा। वो सामने ये लोग लाइटें चल रही हैं, वो अलग से सुन जाए भाई, बहुत एक्सपेंसिव है वो। और अभी ये देखिए सामने पूरा अतबाद लेक भी तो नज़र नहीं आ रही होगी। सुबह उठेंगे, सुबह इसका जो व्यू होगा ना, ओए होए लेवल का होगा। अभी भूख भी बहुत टाइट लगी है, सुबह का नाश्ता करा हुआ है, सारा प्रोग्राम बड़ा है आज का, पूरा दिन समझे बैठ गुजरे, एक आज का और एक वड़ंकल वाला, ये दो दिन बड़े बुरे गुजरे हमारे। खैर इसमें भी अल्लाह ताला कोई ना कोई हिकमत होती है, जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। बाहर हमारा खाना रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं हड्डी। हसन भाई हैं, नुमान डचू हैं और आप ही हैं। चलो भाई कितनी उठानी है हसन भाई, 6 उठानी है। बंदा बड़ी है ना, एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई ये उठा ली, 6। इसको खेलते हैं भाई, बड़ा शुगर आने वाला है। हम लोगों ने पहले सोचा था जहाँ हमें रात में अच्छा मौका मिलेगा ना, हड्डी वगैरह खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ तकिए चाहिए और ब्लैंकेट चाहिए, इसके ऊपर चादर भी चाहिए। भाई जल्दी लेकर आओ यार, प्लीज भाई जल्दी लेकर आओ, हम जरा एंजॉय कर रहे हैं, हड्डी शड्डी खेल रहे हैं भाई। किचन में हमारा खाना रेडी हो रहा है, सब होटल वगैरह यहाँ सब बंद हो गए थे, बस भाई ने हमारे लिए खाना बनवाया, बड़ी दूर से चिकन वगैरह लेकर आए। अभी हमारा खाना तकरीबन रेडी हो गया, देखते हैं भाई, हो गया रेडी अंकल, चले भाई आ जाओ, देखते हैं कैसा हो गया रेडी। शक्ल दिखाएंगे अंकल की, सी शक्ल दिखाएंगे, शक्ल दिखाऊं जी, बिल्कुल भाई, खाना रेडी हो गया हमारा। वन टू थ्री, ये है बिरयानी भाई, पानी है पीने का, पानी भी खा, ये आपका बिरयानी है, ओके बिरयानी शक्ल से तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है भाई, अब खा के देखेंगे कैसी है। हाँ शक्ल सर अच्छे लगना चाहिए, बाकी खाने अच्छा ही है, कढ़ाई है आपका, कढ़ाई शोरबे वाली बनाया है, ये जबरदस्त कर रहे हैं आपने काम, कढ़ाई भी टाइट लग रही है भाई। बिरयानी आ गई है, पहले बिरयानी ट्राई करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह।
स्पाइसी फुल खाने में इतना मसरूफ हो गया था कि कढ़ाई दिखाना ही भूल गया हमने इनसे शोरबे वाली बनवाई थी कढ़ाई भाई ट्राई करके देखते हैं जबरदस्त भाई खाना वाना खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं।